प्रयागराज के यमुनानगर औद्योगिक थाना क्षेत्र के मवैया गांव से करीब 18 वर्षीय छात्र घर से पेन खरीदने के लिए निकला था तथा घर वापस नहीं लौटा। परिजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन छात्र का पता नहीं चल पाया। थकहार कर परिजनों द्वारा औद्योगिक थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है तथा जांच पड़ताल की जा रही है। इस दौरान परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है तथा पुलिस को भी इस मामले की जानकारी दी गई है। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए न्याय की गुहार लगाई है। बताया गया कि औद्योगिक थाना क्षेत्र के मवैया गांव निवासी दयाशंकर निषाद, जो कि निषाद पार्टी में जिला संयोजक के पद पर है, उनका बेटा बीते 8 अप्रैल को घर से पेन खरीदने के लिए निकला था, तब से लापता है। बेटे के लापता होने के बाद से परिजनों को अनहोनी की आशंका बनी हुई है। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। घटना 8 तारीख है सर, हमारा बड़ा लड़का है, उम्र करीब 18 साल की है। घर से करीब 7:30 बजे 8 तारीख को शाम को निकला है पेन लेने के लिए, तब से अभी तक वापस नहीं आ पाया है। मुझे शंका है कि उसका अपहरण हो सकता है और कुछ लोगों को मेरा जहाँ तक मानना है शंका है, तो मैंने अलग से लिखित में दिया है। उसी रात 8 तारीख को ही रात में हम SO साहब को फ़ोन करके बताए हैं। दूसरे दिन जाके FIR भी हुआ है 363 में, तब से अभी तक पुलिस भी लगी है अपने स्तर से पूरा जांच पड़ताल कर रही है। CDR वगैरह भी निकल आया है और भी सारी जांचें पुलिस कुल मिला का आश्वासन कर रही है कि हम एक दो दिन के अंदर आपके लड़के को कहीं ना कहीं से ले आकर आपके सामने कर देंगे। आपका लड़का सुरक्षित है। बच्चा हमारा 18 साल का है, अभी 12th पास किया है। ये मोहिया गाँव है, थाना औद्योगिक जनपद प्रयागराज।